वाइफ हो गई पंचर दिखाता हूँ आपको। ये अब आ निकल गई, बीच में से कील निकली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैर से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैर हूँ। तो सबसे पहले देखने वालों को, व्यूवर्स तमाम को बहुत 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 ईद मुबारक। तो आज है ईद का पहला दिन और अभी हो चुके थे कि मैं 5:30 गुसल करके अभी टैंकी देखने ऊपर आया था। नमाज का टाइम 6:30 बजे का, तो अम्मी जान कहती कि कुछ मीठा खा के जाना चाहिए और कुछ खा के खाना चाहिए, तो इसलिए फैमिली है जाना। वो मैंने कहा मैं बना के रखूँ, मैं ज़रा बस 5 मिनट में आया। मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेता हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यू ज़्यादा आपको आज का दिखाता चलूँ कि आज ईद का पहला दिन है। माशाल्लाह अल्लाह ताला का बहुत गर्म और फजल है कि आज ठंडा ठंडा मौसम है, कोई धूप नहीं है और अच्छी खासा प्यारा मौसम हुआ। तो इंतज़ार किए बगैर चलते हैं अम्मी जान के पास, खाते हैं कुछ मीठा और फिर चलते हैं नमाज के लिए। फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ नमाज ईद अदा करने के लिए मस्जिद में। मस्जिद की गली में मीनार आपको नज़र आ रहा होगा। करते हैं नमाज ईद अदा, क्योंकि नमाज का टाइम 6:30 बजे का और अभी 6:10 हुए, तो टाइम से पहुंचेंगे तो जगह मिलती है, इसलिए जल्दी चाह रहे हैं अदा कर दी। अब घर की जानब चलते हैं, अब मिलते हैं सब। तो फाइनली नमाज ईद अदा करके आ चुका हूँ, जैसा कि आपने देखा ही होगा। तो अब घर आके पहले घर वालों से मिली है नमाज की ईद, उससे पहले घर वालों से ईद मिली है और फिर उसके बाद अब अम्मी जान को मैंने कहा कि अब नाश्ता बना लें, क्योंकि टाइम अब हो चुका है, आज तो रोज़ा है नहीं। तो ईद की वजह से मैंने कहा चलो नाश्ता बना लें, थोड़ा हल्का फुल्का कर लेता हूँ, बाकी जब जैसे भूख लगेगी फिर बाद में खा लेने करेंगे। तो अभी अम्मी जान बना रही है नाश्ता, अब देखते हैं नाश्ते में अम्मी जान क्या देती है मुझे। वैसे इन्होंने सुबह मुझे फेहमी दी थी, अब देखते हैं क्या है, चलें आपको भी दिखाता हूँ। अम्मी जान बनाने वाली हैं दही फुल्कियाँ, और दूसरी तरफ उन्होंने बनाया है शीर शोरमा, थोड़ा सा करते हैं शीर शोरमा ट्राई, तो फिर देखते हैं और क्या है नाश्ते में। और ये बन रहा है जी हमारा फ्रेश पराठा, पराठे के साथ क्या मिलने वाला है जी। फाइनली नाश्ता कर लिया, अब चलते हैं दोस्तों को मिलने। उससे पहले मोटर कर लेते हैं साफ, अब चलते हैं फिर बाय। मोटरसाइकिल में मैंने कपड़ा कपड़ा लगा लिया और फिर बारा खोलते हैं, चलते हैं बाय के लिए। चलो ईद तो बहुत अच्छी गुजर रही है, लेकिन ईद के साथ साथ इबादत रमज़ान वाली भूलनी नहीं है, तो इसलिए नमाज का टाइम हो चुका है। तो अब जा रहे हैं नमाज पढ़ने मस्जिद के जाने, और दिखाता हूँ फिर आपको नमाज अदा करके आगे की मसरूफियात। फ़िलहाल तो मैं मस्जिद जा रहा हूँ, दिखाता हूँ आपको मस्जिद का व्यू और नमाजी भी कि कैसे हम मुसलमान हैं कि रमज़ान तक फुल मस्जिद और रमज़ान के बाद कोई नमाजी नहीं। ये पार्क का व्यू देखें ना, कि पार्क में बच्चे खेल रहे हैं, वो भी 2-4 ही, बाकी हर तरफ सन्नाटा। ये स्कूल्स रूट स्कूल क्लोज है और पार्क में भी कोई नहीं। फाइनली मैं आया हूँ वजू खाने में और यहाँ पर अभी कोई भी बंदा नहीं है। मस्जिद में नमाजियों की तादाद रूटीन से बहुत ज़्यादा कम है। चले करते हैं नमाज अदा। और माशाल्लाह नमाज अदा कर ली है ज़ोर की, और हवा अल्लाह ताला ने मौसम और हवा बहुत अच्छा बनाया था। माशाल्लाह मौसम जो है ना इतना खूबसूरत है, मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने एक और 4 चांद लगा दिए हमारी ईद की खुशी, इतना प्यारा। तो अभी ऑफिस से आया ही था, यानी कि वीडियो बाद में बन रही, तो आने के साथ ही अम्मी जान का फोन आया था। इशारा हो गया क्लोज, अभी सेकंड है तकरीबन 62, वेट करते हैं फिर चलते हैं। हम पहुँच चुका हूँ मैं आर्य बाज़ार के करीब, और इस साइड में नर्सरी, दूसरी साइड पर पहुँचूँगी सारी जो है ना वो नर्सरी है टेंट का, और इसकी नर्सरी के बैक साइड में पहुँची यूनिट है, और यहाँ तक नर्सरी है, इसके बाद यहाँ से कब्रिस्तान स्टार्ट है।
मैं पहुंच चुका हूँ पार्क के करीब, दिखाता हूँ आपको पार्क। ओ इतना रश पार्क, वाह सारी वहाँ भी लगता है इधर ही आई हुई पार्क। ओहो बाइक हो गई है पंचर, दिखाता हूँ आपको। हवा निकल गई, बीच में से कील निकली है।